तो देखिए स्वाति मालीवाल ने पोस्ट किया है कि खुद को बचाने की कोशिश की जा रही है, कोई पिटाई करते हुए वीडियो बनाता है भला। 13 मई को स्वाति मालीवाल से मारपीट हुई थी और ये मामला लगातार फूल पकड़ता जा रहा है। इसी पूरे मामले को लेकर फिलहाल स्वाति मालीवाल ने एक्स पर पोस्ट किया है वीडियो जो सामने आया है। आम आदमी पार्टी ने जो वीडियो जारी किया है, जिस वीडियो में ये सीएम के ड्राइंग रूम का वीडियो है जहां पर स्वाति मालीवाल बैठी हुई नजर आ रही है, वहां पर सिक्योरिटी है और उनके साथ में कॉन्वर्सेशन चल रहा है स्वाति मालीवाल का। जिसके बाद स्वाति मालीवाल ने ट्वीट किया है, हर बार की तरह इस बार भी राजनीतिक हिटमैन ने खुद को बचाने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। स्वाति मालीवाल अपने ट्वीट में इस बात का जिक्र करते हुए आगे और आरोप लगाती हुई नजर आ रही हैं। उन्होंने कहा कि कोई मार पिटाई करते हुए अपना वीडियो बनाता है भला, खुद को बचाने की कोशिशें हो रही हैं। स्वाति मालीवाल ने ट्वीट किया है, एक्स पर पोस्ट किया है, अपने लोगों से ट्वीट करवा के आदि बिना संदर्भ की वीडियो चला के ऐसा लगता है इस अपराध को अंजाम देके खुद को बचा लेगा, कोई किसी को पीटते वीडियो बनाता है भला। घर के अंदर की और कमरे की सीसीटीवी फुटेज की जांच होते ही सत्य सबके सामने आ जाएगा। किस हद तक गिर सकता है गिरजा, भगवान सब देख रहा है, एक ना एक दिन सबकी सच्चाई दुनिया के सामने आएगी। हर बार की तरह इस बार भी राजनीतिक हिटमैन ने खुद को बचाने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। स्वाति मालीवाल का ये ट्वीट है, अपने लोगों से ट्वीट करवा के आधी बिना संदर्भ की वीडियो शेयर करके इसे लगता है अपराध को अंजाम देके खुद को बचा लेगा। और मेरे साथ मेरे सहयोगी इस वक्त केशव रुक रहे इस वक्त जुड़ रहे हैं। केशव, केशव का एक बार रुख करते हुए, केशव क्या जानकारी इस वक्त है? वीडियो जारी किया गया आम आदमी पार्टी द्वारा, उसके बाद में स्वाति मालीवाल भी इस पर जवाब देती हुई नजर आ रही हैं, पुलिस अलग पूछताछ अब करती हुई नजर आ रही है, अभी फिलहाल का अपडेट क्या? जी बिल्कुल पूजा, देखिए जिस वक्त स्वाति मालीवाल 30,000 कोर्ट पहुंची हुई थी मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान दर्ज करवाने के लिए, उसी वक्त आम आदमी पार्टी की तरफ से एक वीडियो जारी किया जाता है, जो वीडियो अधूरा कह सकते हैं, वो अधूरा वीडियो है, ये पुलिस जांच में निकल के सामने आ जाएगी। लेकिन जांच जो 30,000 कोर्ट है वहां पर बयान दर्ज करवाते जैसे ही निकलती है स्वाति मालीवाल, उनको पता चलता है कि एक वीडियो आम आदमी पार्टी के द्वारा जारी किया गया है, उस पर वो ट्वीट करती है और ट्वीट में साफ तौर से लिखती है कि हर बार की तरह इस बार भी राजनीतिक हिटमैन ने खुद को बचाने की कोशिश शुरू कर दी है, अपने लोगों से ट्वीट करवा के आधी बिना संदर्भ की वीडियो चला के इसे लगता है कि इस अपराध को अंजाम देके खुद को बचा लेगा, कोई किसी को पीटते हुए वीडियो बनाता है भला, घर के अंदर की और कमरे की सीसीटीवी फुटेज की जांच होते ही सच सबके सामने आ जाएगा। जो बात सब कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस जब इस जांच को शुरू करेगी, छानबीन करेगी, तो उस वक्त जो सीसीटीवी कैमरे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास में लगे हुए हैं, उन कैमरे की फुटेज की भी जांच की जाएगी, उसके बाद जो सच है वो सामने आ जाएगा। और स्वाति मालीवाल की तरफ से ट्वीट में भी इस बात का जिक्र किया गया है कि जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं उसके जांच के बाद जो सच है वो सामने आ जाएगा, क्योंकि अभी जो वीडियो आम आदमी पार्टी की तरफ से जारी किया गया वो वीडियो अधूरा है, क्योंकि उस वीडियो में साफ तौर से देखने को मिल रहा है कि जब स्वाति मालीवाल के साथ उस लिविंग रूम में मारपीट हो जाती है, उसके बाद जब वो वहां बैठी रहती है तो सीएम सिक्योरिटी में लगे हुए पुलिस वहां से उनको हटाने के लिए आते हैं, जिससे वो बहस करती हुई नजर आ रही है। उसमें स्वाति मालीवाल ये भी कहती हुई नजर आ रही है कि मैंने पीसीआर को कॉल किया है, पुलिस को आने दो, उसके बाद मैं यहां से निकलूंगी, तब तक मैं यहां से नहीं निकलूंगी। लेकिन जो सीएम सिक्योरिटी में जो पुलिस लगे हुए वो उनको वहां से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो साफ तौर से जो वीडियो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से जारी किया गया। दूसरी तरफ स्वाति मालीवाल ने 30,000 कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान 164 के तहत दर्ज कर दिया है और साथ ही साथ एफआईआर में कॉपी में जो धाराएं लगाई गई है वो भी संगीन धाराएं लगाई गई है। तो ऐसे में समझ सकते हैं पूजा कि जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जो पीए हैं विवेक कुमार, उनकी मुश्किलें और बढ़ती जा रही है, क्योंकि अब इस पूरे मामले में कोर्ट में बयान दर्ज होने के बाद और एफआईआर दर्ज होने के बाद जो दिल्ली पुलिस है वो छानबीन तेज कर दी है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल भी इस पूरे मामले की जांच कर रही है और कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जो पीए हैं विवेक कुमार, उसको गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि कल देर रात ही एफआईआर दर्ज करने के बाद ही दिल्ली पुलिस की एक टीम विवेक कुमार के आवास पर पहुंची हुई थी, लेकिन वो अपने आवास पर मौजूद नहीं थे, खाली हाथ दिल्ली पुलिस वहां से लौटी थी। अब दिल्ली पुलिस की एक यूनिट जो है वो पंजाब के लिए भी रवाना हो गई है, क्योंकि दिल्ली पुलिस को ऐसा लगता है कि विवेक कुमार की जो लोकेशन है वो पंजाब में कहीं किसी जगह हो सकती है, संभवतः अमृतसर की जो लोकेशन है वो सूत्रों से दिल्ली पुलिस को मिल रही है, क्योंकि कल दिन में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ ही विवेक कुमार लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नजर आए थे और उसके बाद से विवेक कुमार जो है वो गायब हैं। तो ऐसे में दिल्ली पुलिस अब जो है विवेक कुमार की लोकेशन की ट्रेस कर रही है, ट्रैक कर रही है कि कैसे भी विवेक कुमार को गिरफ्तार करके इस पूरे मामले की जो छानबीन है वो और तेज किया जा सके, क्योंकि अब एफआईआर दर्ज हो चुका है, कोर्ट में बयान स्वाति मालीवाल ने अपना दर्ज करवा दिया है, तो कहीं ना कहीं अब इस पूरे मामले
मामले में जहां एक तरफ राजनीति शुरू हो गई तो दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस ने जांच शुरू करके जो आरोपी है, जिन धाराओं के साथ जो आरोप लगाए गए हैं स्वाति मालीवाल की तरफ से, उसकी जांच में दिल्ली पुलिस जुट गई है। दिल्ली पुलिस जांच में जुट गई है, मतलब आज अभी फिलहाल स्वाति मालीवाल का स्टेटमेंट मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज हो चुका है, यानी मामले पर अब आगे कार्रवाई होगी और सीएम आवास पर भी जाकर सीसीटीवी को खंगालने की कोशिश की जाएगी। नेक्स्ट स्टेप अब क्या होगा केशव, अभी क्या संभावित तौर पर पुलिस की तैयारी है? देखिए पूजा, जिस तरह के वीडियो स्वाति मालीवाल का आ रहा है सामने, अभी कोर्ट से जब निकलती हुई जब भी वो जा रही थी वो चल नहीं पा रही थी सही से, वो उनको सहारा लेकर चलना पड़ा था। ऐसा मैं ये तो श्योर है कि उनके साथ मारपीट हुई है और जिसके कारण वो चल भी नहीं पा रही है। दूसरी तरफ कल देर रात जब मेडिकल कराने पहुंची हुई थी दिल्ली एम्स में, उसमें कई टेस्ट हुए हैं जिसका रिपोर्ट आज देर शाम तक आएगा, लेकिन जो तुरंत जो डॉक्टरों की तरफ से जो कहा गया उसमें ये साफ तौर से नहीं कराई। उस दिन पुलिस पे कॉल करने के बाद फिर स्वाति मालीवाल ने उस दिन एफआईआर क्यों नहीं कराई? क्या इस पर स्वाति मालीवाल कुछ बोलती नजर आ रही है अभी तक? देखिए स्वाति मालीवाल अभी तक मीडिया के कैमरे में आने से बच रही है, हालांकि क्योंकि स्वाति मालीवाल आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद हैं, अभी भी वो पार्टी में मौजूद हैं। ऐसे में उनका जो आरोप है अभी तक वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए वैभव कुमार के ऊपर है, लेकिन अब जो आज का जो ट्वीट है उसमें साफ तौर से आप देख सकते हैं कि उनका जो जो कटाक्ष है, जो आरोप है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भी लगाने वो अब शुरू कर दी है। इसीलिए संभवतः हो सकता है कि शुरू में वो पीसीआर कॉल करने के बाद खुद एफआईआर दर्ज करवाने नहीं पहुंची हो, लेकिन कल देर रात दिल्ली पुलिस जब उनके आवास पर पहुंची तो उन्होंने एफआईआर बकायदा दर्ज करवाया, उसमें उन्होंने सारी बातों का जिक्र किया दिल्ली पुलिस के सामने, और आज मजिस्ट्रेट कोर्ट में आकर 30,000 कोर्ट में उन्होंने बकायदा अपना 164 के तहत बयान भी दर्ज करवाया है। तो अब इस पूरे मामले को लेकर जो स्वाति मालीवाल है वो भी कानूनी रूप से लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो गई है, और कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के जो मुखिया है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी वो बगावत कर सकती है, क्योंकि अब जो उनका ट्वीट आ रहा है उसमें साफ तौर से अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी वो सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के आवास से जो वीडियो जारी किया गया है उस पर जो स्वाति मालीवाल वो ट्वीट करके कटाक्ष करती हुई नजर आ रही है, आधा अधूरा जो वीडियो है वो जारी किया गया है। सीसीटीवी के फुटेज की जांच करने के बाद जो पूरा सत्य है वो सामने आ जाएगा। अब दिल्ली पुलिस कोशिश करेगी, लेकिन एक बात तो क्लियर है कि जिस तरह से स्वाति मालीवाल ने ट्वीट किया है और जिन शब्दों का इस्तेमाल करके वो अरविंद केजरीवाल के ऊपर हमलावर हो रही है, इसे एक बात तो क्लियर है कि अब पार्टी में उनका भविष्य बहुत ज्यादा वो खुद नहीं देख रही है, और हो सकता है जैसा आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद अगला स्टेप क्या? देखिए पूजा, अब दिल्ली पुलिस कोशिश करेगी कि स्वाति मालीवाल को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर जाएगी और सीन रिक्रिएट करने की कोशिश करेगी कि 13 मई को उनके साथ क्या हुआ था, कैसे हुआ था। और दूसरी बात कि सीसीटीवी कैमरे जितने लगे हुए हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर, उन सीसीटीवी कैमरे के फुटेज को खंगाला जाएगा कि स्वाति मालीवाल कैसी आई थी, किस वक्त आई थी और उनके साथ किसने क्या किया वहां पर। एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि आम आदमी पार्टी जब ड्राइंग रूम का एक वीडियो जारी करती है तो फिर सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं सामने लेकर आ रही है? जाहिर तौर पर जब स्वाति मालीवाल के साथ में ये सब घटना घटी तो उसके बाद में स्वाति मालीवाल वहां सेम हाउस से बाहर निकली होंगी, तो जो तथ्य सबूत देने चाहिए उनकी बजाय सिर्फ एक ड्राइंग रूम का ये कॉन्वर्सेशन का वीडियो जारी करके आखिर जो अभी मामला देख रहे हैं कि तूल पकड़ रहा है, क्या ये और ज्यादा तूल पकड़ेगा और अरविंद केजरीवाल को लेकर आक्रामक होगी बीजेपी?